प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। ये बातें भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने बांदा दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो काम किसी थाने में जाने पर पहले 500 में होता था, उसी काम के लिए आज 5000 देने पड़ रहे हैं। आज़ादी के 72 साल बाद भी कुछ जातियों को सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है। भागीदारी आंदोलन मंच चाहता है कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़े के नाम से अलग किया जाए। इसी प्रकार एससी एसटी के आरक्षण को दलित, अति दलित और महादलित के नाम से अलग किया जाए, ताकि सभी जातियों के बेटा बेटी को सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास से भागीदारी आंदोलन मंच ने प्रदेश के 75 जिलों में अपना संगठन शुरू किया है। प्रेमचंद ने कहा कि अगर सरकार बातों को नहीं मानती तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट की चोट से भाजपा को धूल चटाने का काम किया जाएगा। बांदा से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। भागीदारी आंदोलन मंच भारतीय सुहेलदेव पार्टी का विंग है, जिसके कर्ता धर्ता सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनका आंदोलन है भागीदारी आंदोलन मंच। 11 अक्टूबर 2017 को इस आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। और आज बांदा में, कल मैं बांदा में कई गांव का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। गाँव की स्थिति आज भी जैसे पहले थी वैसे ही है। रास्ते नहीं हैं, शुद्ध पानी पीने के लिए पानी नहीं है और विद्यालयों में जगह जगह कई जगह देखने को मिला है, जहां विद्यालय हैं वहां जाने के लिए रास्ते नहीं हैं और सड़कों का बुरा हाल है। चारों तरफ से जंगल ने सड़कों को घेर रखा है और सरकार फर्जी नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है हम लोगों का, ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसका फायदा कुछ जातियों को जा रहा है और जो दलित भाई हैं हमारे उनका जो 22.5% आरक्षण है उसका भी फायदा कुछ जातियों को जा रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा जो भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विभाजन की बात की थी। आज प्रदेश में सरकार बने 18-19 महीने हो गए, विभाजन के सवाल को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जबकि 6 महीने पहले अमित शाह जी ने कहा था कि हम इसका विभाजन कर देंगे चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, अभी तक सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। अगर विभाजन नहीं होगा तो हमारे लोग सड़कों पर उतरेंगे। अभी हमने 20 दिसंबर 2017 को भागीदारी आंदोलन मंच ने उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में शक्ति प्रदर्शन किया विभाजन के सवाल को लेके। फिर हमने 9 मई 2018 को विभाजन के सवाल को लेके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शक्ति प्रदर्शन किया और अभी करंट में 27 अगस्त को भागीदारी आंदोलन मंच ने उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। हम लोगों ने नारा दिया है, माननीय मंत्री जी ने भी नारा दिया है, भागीदारी नहीं तो वोट नहीं। अगर सरकार भागीदारी नहीं सुनिश्चित करती है तो 2019 में इस प्रदेश की जनता बताएगी कि सरकार किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी है। इस सवाल को लेके हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं कि भाई सरकार ने कहा कि सरकार बनी पिछड़ों की वोट पे, लेकिन जब भागीदारी की बात आई तो उन लोगों ने महंत जी को ले आके कुर्सी पे बैठा दिया। पहले का जो महंत होता था, जो मंदिरों में पूजा करता था, जो पहले का महंत जंगल में रहता था, आज योगी जी इतिहास में पहली बार ऐसे योगी हैं जो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा और आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं मंदिरों की ओर, सफाई की ओर, और खुद जो है दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी के चक्कर में परेशान हैं। इस बात को लेकर भागीदारी आंदोलन मंच पूरे प्रदेश में चर्चा कर रहा है कि भाई आज़ादी के 72 साल बाद जो भी पार्टियां आई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, लोगों ने हम लोगों का वोट तो लिया, लेकिन भागीदारी के सवाल, जब भागीदारी की बात आई तो उन्होंने कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया।
इस बात को लेकर हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आंदोलन मंच कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, भारतीय समाज पार्टी का बिंब है और ये सामाजिक आंदोलन है, तो मैं ज़्यादा राजनीति पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आप थाने में कचहरी में जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी सरकारी सेवाएं हैं, उसमें चले जाइए, उसमें देखिए कि प्रजापति, पाल, नाई, विश्वकर्मा, भर, राजभर, धोबी, ये जो जातियाँ हैं, जो आज़ादी के 72 साल बाद इनके लोग कहीं बाबू चपरासी भी इक्के दुक्के मिलते हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर इन जातियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई अभी तक, तो ये जो अभी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भागीदारी के सवाल को लेकर सरकार क्या कर रही है, जबकि पिछड़ों के बोर्ड पे सरकार बनाई गई। SC ST एक्ट पे हमारे मंत्री जी ने भी पहले बयान दे दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, हम उसके साथ हैं। देखिए, उसमें हुआ क्या है कि इसमें छेड़छाड़ किसने किया? जब बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही कहा कि अब केस तभी दर्ज होगा जब CO लेवल की जांच होगी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो विरोध उस टाइम में करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में लोगों ने विरोध नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब मजिस्ट्रेट लेवल की जाँच होगी। अब इस बात को लेकर कुछ विरोधी मानसिकता के लोग जो हैं, वो हम लोग भी नहीं चाहते, दलित हमारे भाई हैं, उनका उत्पीड़न हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दलित में भी कुछ दबंग जातियां हैं जो 22.5% आरक्षण के दम पर वो पूरे सत्ता पे कब्जा जमाए हुए हैं। वो लोग दूसरे का शोषण करते हैं, एक व्यक्ति से विवाद होता है, पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का न हो, मतलब जो सही है वो हो। इस बात को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके साथ हैं।